गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग चैप्टर नंबर 7 जिसका शीर्षक है बालक को गिरते देखा है और जिसके लेखक है नागार्जुन। उनका जन्म 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1998 में। और इनके जो है, इनका जन्म ननिहाल में हुआ था, राज्य बिहार और जिला मधुबनी, गांव सतलखा। इनका पैतृक गांव जो है बिहार के तरौनी गांव में हुआ था और जिला है उनका दरभंगा। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा संस्कृत पाठशाला में और उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची और नई कौर बाबा बटेसरनाथ वरुण के बेटे दुखमोचन कुंभीपाक हीरक जयंती उग्रतारा जमनिया का बाबा पारू गरीबदास आदि उपन्यास लिखे। इसके अलावा उनके जो है कविता संग्रह में युगधारा सतरंगे पंखों वाली यासी पथराई आंखें तुमने कहा था खिचड़ी विप्लव देखा हमने पुरानी जूतियों का कोरस हजार हजार बाहों वाली रत्नगर्भा ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या आखिर क्या कह दिया हमने इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त निबंध कहानियां संस्मरण आदि में विधाओं में भी उन्होंने रचनाएं की। सम्मान के तौर पर उन्हें नागार्जुन को यानी मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो प्रस्तुत कविता है वो तिब्बत भारत तिब्बत यात्रा के द्वारा लिखी गई कविता है और इसमें जो है लेखक मानसरोवर तालाब के पास जाता है, वहाँ उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर अत्यंत मोहित हो जाता है और वहाँ की सुंदरता का वर्णन वो इसमें करता है। इसमें वो बर्फ सुनहरी जो है बर्फ जो है सफेद निर्मल बर्फ सुनहरे कमल पर गिरते हुए देखता है और हंसों के जोड़े को तालाब में जो है कमल की नाल को चुनते घूमते हुए देखता है और जो है वो चकवा चकवी पक्षी को कलह प्रणय कलह करते हुए देखता है। इस तरह से वो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए उसका यहाँ पर वर्णन करता है। इसकी कविता देखते हैं। अमर धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन करों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इसमें जो लेखक है कह रहा है कि मैंने जो है अमल अमल यानी निर्मल धवल यानी सफेद गिर यानी पर्वत शिखर चोटी यानी पर्वत के ऊंची चोटियों पर जो है शिखरों पर मैंने बादल को गिरते हुए देखा है और पर्वत कैसा है वो निर्मल और सफेद यानी हिमालय का पर्वत कैसा दिखाई देता है उसको उसको निर्मल और बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। जो बर्फ के टुकड़े हैं तुहिन तुहिन मतलब बर्फ बर्फ के जो कण हैं उसको और वो बर्फ के कण कैसे हैं शीतल ठंडे तुम शीतल बर्फ के कणों को स्वर्णिम कमलों स्वर्णिम मतलब सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है, कहाँ के मानसरोवर तालाब के स्वर्णिम कमलों के ऊपर जो है बर्फ के शीतल कणों को गिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, तुंग मतलब ऊंचा ऊंचा हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, मतलब कहने का मतलब है कि लेखक कह रहा है कि जो हिमालय है
उस हिमालय पर्वत को कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल नील शरीर में, श्यामल मतलब सांवले रंग, नील यानी नीला रंग, शरीर यानी पानी। तो वो झीलों का पानी कैसा है? श्यामल और नीले रंग का पानी है। समतल देशों से आकर, समतल देश मतलब मैदानी भाग, जहां पर मैदान होता है, कौन आता है? हंस। तो पावस, पावस मतलब वर्षा काल, यानी वर्षा के समय को पावस बोला। उमस यानी गर्मी, यानी बारिश के समय कैसी गर्मी होती है, यानी जब हवा नहीं चलता है तो जो वर्षा काल की जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे आकुल, आकुल यानी व्याकुल, व्याकुल घबराहट वाला। तो तिक्त मधु, तिक्त यानी तीखा, मधुर यानी मीठा। विष तंतु, विष तंतु यानी कमल की जो नाल होती है उसके बीच है वो विष तंतु, कमल नाल। खोजते हंसों को तिरते देखा, तिरते मतलब तैरते हुए, हंसों को तिरते देखा। हंस कहाँ से आए हुए हैं? हंस जो है समतल मैदानों से आए हुए हैं, मानसरोवर के झील में जो कमल की नाल के तीखे और मधुर, तीखे और मधुर कमल की नाल को ढूंढते हुए वहां पर तैरते हुए देखा है, लेखक ने बादल को घिरते देखा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, यानी जिस समय वहां लेखक को बैठा हुआ था वो वसंत ऋतु का सुप्रभात यानी प्रातः काल का समय था। मंद मंद था अनिल बह रहा, मंद मंद मतलब धीमे धीमे, अनिल हवा, तो धीमे धीमे जो हवा बह रही है। बाल अरुण की मृदु किरणें थी, बाल अरुण मतलब जो यहाँ पे लेखक ने कहा है बाल अरुण यानी सुबह का समय का सूरज। तो सुबह का सूरज, सूरज कैसा होता है? कोमल होता है। तो वहां पे उसकी तुलना सूर्य की बालक से करी, क्योंकि उसमें गर्मी नहीं होती, वो तेज प्रखर नहीं होता है, वो सौम्य होता है। मृदु किरणें, मृदु मतलब कोमल, किरणें। अगल बगल स्वर्ण आग शिखर थे, अगल बगल मतलब आजू बाजू में स्वर्ण आग, स्वर्ण की आभा लिए हुए यानी सोने की आभा लिए हुए सुनहरे शिखर थे, यानी सूर्य जब निकल रहा था वहां पे क्या था, वहां पे आजू बाजू में जो शिखर थे वो कैसे दिखाई देते थे? सुनहरे रंग के। किसकी वजह से? जब सूर्य निकलता है तो उसके आजू बाजू में जितने भी वो है एरिए वो सुनहरे रंग के हो जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं सूरज को देखते हैं तो देखते हैं ना उसके आजू बाजू में सब लाल रिमा छाई होती है, उसी तरह से जब सूरज निकल रहा था जो उसके ऊपर की किरणें थी, उसकी किरणें थी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से शिखर जो है सुनहरे रंग का दिखाई दे रहा था। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवई का बंद हुआ ग्रंथ। यहाँ पे चकवा चकवई मतलब चक्रवात पक्षी का नाम है, एक जोड़े उनके लिए श्राप मिला हुआ है, वो रात के जो है रात के समय साथ में नहीं रह सकते, यानी अभिशापित है। तो इसमें उसने चर्चा की है लेखक ने कि उनको सारी रात जो है अलग अलग बितानी होती है निशा काल के समय, निशा काल मतलब रात्रि के समय, उनको चिराभिशापित यानी लंबे समय से ऐसा श्राप मिला हुआ है कि उनको अलग अलग सारी रात बितानी होती है। बेबस यानी मजबूर, यानी जैसे ही सूरज निकलता है और रात बीत जाती है तो उन चकवा चकवई का जो है क्रंदन, क्रंदन यानी रोना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उनका श्राप जो है वो खत्म हो जाता है, रात बीतते ही उनके श्राप का असर खत्म हो जाता है। फिर उनमें उस महान सरोवर के दिए, फिर उनमें क्या होता है इसको? उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, यहाँ पे शैवाल जो होता है वो काई होती है, जो पानी के अंदर पानी इकट्ठा जहाँ हो जाता है वहां पर वो काई उत्पन्न होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो उसमें यहाँ पे उसने हरी दरी बोला, यानी उसका वर्णन किया, किसके आधार पर किया हुआ है?
दरी के रूप में, शैवाल को दरी के रूप में बताया हुआ है। तो जब उसका रोना बंद हो जाता है तो क्या करना चाहते हैं, प्रणय कलह यानी प्रेम पूर्ण झगड़ा। कलह का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। लेखक यहाँ पर बोलता है कि जब शाम को रात बीत जाती है तो पक्षी, जब दोनों पक्षी मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रेम की कलह करना आरंभ कर देते हैं, बादल को घिरते देखा। फिर अंत में कहता है लेखक कि बादल को घिरते देखा। हमने इसमें पढ़ा कि लेखक ने क्या क्या देखा है, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि लेखक ने क्या क्या देखा है वहां पर, यानी उसने वहां के मनोरम दृश्य का वर्णन किया है, प्राकृतिक मनोरम दृश्य का वर्णन किया है जहां पर उसने वसंत ऋतु के समय इसका इस कविता को लिखा। इसके कठिन शब्द आपको देख लेते हैं, अमल निर्मल धवल सफेद तुहिन बर स्वर्णिम सुनहरे तुंग ऊंचा सलील जल समतल मैदानी भाग पावस वर्षा का उमस गर्मी बेबस मजबूर क्रंदन होना प्रणय प्रेमपूर्ण कलह झगड़ा या क्लेश आदि व्याकरण। इसके कठिन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्वाध्याय में पेज नंबर 38 प्रश्न नंबर 1, विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर किसको घिरते देखा है। ऑप्शन है सूर्य को, बादल को, चंद्र को, बारिश को। तो इसका आंसर ख है, बादल। आंसर ख, बादल। सेकंड, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को सरोवर में कहां गिरते देखा। क स्वर्ण कमल पर, बादलों पर, फूलों पर, हरी घास पर। तो मोती जैसे बर्फ के कण थे वो कहां पर गिर रहे थे, वो स्वर्णिम कमल पर यानी सुनहरी कमल पर। तो आंसर इसका क्या आएगा, क स्वर्ण कमल पर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, जब वर्षा काल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था। इसमें यह भी हो सकता है कि लेखक किस समय जो है, किस ऋतु में जो है कविता लिखी, लेखक ने किस ऋतु में कविता लिखी। तो इसका आंसर क्या आएगा, वसंत का वर्षा है, ख हेमंत, ग वसंत, घ शिशिर। तो इसका आंसर आएगा ग वसंत। फिर चौथा, कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है। ऑप्शन मछलियों को, हंसों को, बगलों को या भैंसों को। तो क्या आंसर है इसका, ख हंसों। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रस्तुत कविता में किस दृष्टि से, जो प्रस्तुत कविता है किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है प्रकृति का वर्णन है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, तो ये प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस कविता का रचना काल क्या है, इस कविता का रचना काल हमने अभी चर्चा किया था, उसमें वसंत ऋतु क्या है, वसंत ऋतु। कवि ने कमल को किस रंग का बताया है, कवि ने कमल को स्वर्ण यानी सुनहरे रंग का बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है, प्राकृतिक यानी प्रकृति का वर्णन किया है, तो प्राकृतिक परिवेश, परिवेश यानी वातावरण, प्राकृतिक वातावरण का को प्रस्तुत किया है।
सवाल के आधार पर इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, नमस्कार।